खूबसूरत मकाऊ, ग्रे पैरट, हरे पंख लिए मोर, खतरनाक सांप, छलांगे मारता हिरन, नायाब नस्ल के कबूतर और बहुत कुछ। ये सब चिड़िया घर में नहीं बल्कि फेडरल बी एरिया के रिहायशी राहील के घर में मौजूद है। एक ही छत तले इतने सारे जानवर देखकर आप भी यही कहेंगे, यकीनन शौक का कोई मोल नहीं। राहील ने इन जानवरों को अपने घर का हिस्सा बना रखा है। शुरू से शौक है मुझे, बहुत बचपन से। शुरू में हम लोग पहले नॉर्मल चीज रखा करते थे, लेकिन अब जैसे जैसे मैं खुद काम काज में आता जा रहा हूँ खुद अपने, तो हैवी शौक्स करता जा रहा हूँ इस चीजों से। मैं रेप्टाइल्स में से मैंने पाइथन रखा हुआ है इस वक्त, बाकी कोई ऐसा रेप्टाइल्स नहीं है, लेकिन मेरा टोटली मिनी जू परमानेंट है इस वक्त। जानवरों को घर में पालना सिर्फ एक शौक की हद तक ही महदूद नहीं, ये जानवर आपके दोस्त भी होते हैं। हमने ये पेट्स पाले हैं, तो सिर्फ ये हमने अपने लिए नहीं पाले हैं, बल्कि हमने ये ज्यादा से ज्यादा कोशिश की कि हम इसको लोगों के बीच में इंट्रोड्यूस कराएं। उसके लिए हमने कंपनी बनाई जिमीज पेट्स के नाम से, और हम इवेंट्स करते हैं डिफरेंट जगहों पर। हम स्कूल्स ले जाते हैं अपने पेट्स, यूनिवर्सिटीज में ले जाते हैं, एक्सपोज करते हैं, हम डिफरेंट तरह के इवेंट्स हम करते हैं, सिर्फ इसलिए कि लोगों का इंटरेक्शन इन पेट्स के साथ ज्यादा से ज्यादा हो। बड़े ही नहीं बच्चे भी अपने घर में मौजूद जानवरों के दीवाने हैं। मुझे कभी डर नहीं लगता है इससे, ये तो मेरा दोस्त है, और अगर जानवर से प्यार किया जाए तो हर जानवर दुश्मन नहीं होता। मुझे बहुत मजा आता है, मैं इनके साथ खेलती भी हूँ और इनको मैं हाथ में भी लेती हूँ, कभी कभी मैं डरती हूँ। खतरनाक रिपोर्टिंग का मजा एक तरफ, लेकिन ये बात तो वाज़ह है, अगर इन जानवरों से दोस्ती कर ली जाए तो ये आपके बेस्ट फ्रेंड बन सकते हैं। जरूरी नहीं कि ये परिंदे आपको चिड़िया घर या जंगलात नहीं दिखे, आप चाहे तो इनको घर लाकर पाल भी सकते हैं। कैमरामैन तौसीफ अलीम के साथ मासूमा जुनेद, मेट्रो 1 न्यूज़।